है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा केस है, इसलिए कि पहला जो एस्पेक्ट है इस केस का वो है ज्यूरिसडिक्शनल, जो आपने ठीक से कहा था। अब ज्यूरिसडिक्शन ICJ का है कि नहीं इस केस पे, वो डिपेंड करता है कि क्या आर्टिकल 36(1) जिसमें लिखा हुआ है कि अगर मुल्कों ने कोई और भी ट्रीटी साइन किया है जिसमें उन्होंने अग्री किया है कि ICJ के पास हमारे डिस्प्यूट्स आएंगे एक ट्रीटी को सेटल करने के लिए, वो फिर ICJ के पास ज्यूरिसडिक्शन है। और दूसरा जो है आर्टिकल 36(2), वो एक जनरल कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जो मेरे ख्याल में हमने समझा कि ये वैलिड है इस केस के लिए, बिकॉज हमने 29 मार्च को जाके सुप्रीम UN में सेक्रेटरी जनरल को हमने खत लिखा और कहा कि दो हफ्ते पहले यादव के वर्डिक्ट के पहले, कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो तो ठीक है, वो हमने कह दिया और कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं कर रहे हैं और वो उनको मानना पड़ेगा। मगर जो पहला केस है 36(1), जिसमें हमने पहले से ही कहा हुआ है एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल में कि अगर ट्रीटीज का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है वो ICJ का हक बनता है और हम तस्लीम करते हैं कि वो सेटल कर सकता है, ये जो बात है ये अभी फैसला इस पे होगा। दूसरी बात है, हमने हिंदुस्तान को एक्सेस नहीं दिया, यादव को काउंसलर एक्सेस यादव को हमने नहीं दिया। क्यों? इसलिए 2008 में हमने एक ट्रीटी साइन किया था हिंदुस्तान के साथ, जिसमें हमने कहा था कि जासूस और इस किस्म के जो लोग होते हैं उनको वो जो प्रोटोकॉल है ऑफ काउंसलर एक्सेस उसको नहीं दिया जाएगा। मगर क्या हम वो ट्रीटी को अंडर आर्टिकल 101 UN में लेके रजिस्टर किया है? इसलिए कि हर बायलैटरल ट्रीटी जो दो मुल्कों के दरमियान होता है उसको हमें रजिस्टर करना पड़ता है UN में के पास, इसलिए कि फिर हम वो ट्रीटी को UN बॉडीज के सामने ले जा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए हमारा तो मुआहदा था, हमारा मुआहदा कुछ और था, अब ये कुछ और कर रहे हैं। और फाइनली प्रोसीजरल बात जो है, अगर मैं कंक्लूड करता हूं, प्रोसीजरल बात जो है वो ये है कि हिंदुस्तान ने कहा ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ। भाई ट्रायल तो अब खत्म पूरा नहीं हुआ है, प्रोसीजर ट्रायल तो शायद खत्म हो गया मगर प्रोसीजर्स मैटर जो हैं वो अभी तक चल रहे हैं। अब एक लॉयर मिलेगा यादव को, वो लॉयर उसको एडवाइस करेगा कि सुप्रीम कोर्ट को अपील करें कि नहीं, एक दफे सुप्रीम कोर्ट को अपील करेगा फिर उसका उनका फैसला के लिए हम ठहरेंगे। उसके बाद कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए कुलभूषण को अपने दिफा के लिए वकील इससे पहले भी जो है वो मुहैया किया गया था और अब आगे भी डेफिनेटली ये प्रोसीजर होगा।